माह मुबारक माह रबी अव्वल का आगाज हो चुका है। दुनिया भर के गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस ताल्लुक़ से काफ़ी अकीदत व एहतराम देखा जा रहा है। जगह जगह पर महफिल नात का इनेकाद किया जा रहा है। शहर काजी गुलबरगा डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी भी महफिल नात का इनेकाद कराना अपने लिए बाइस निजात समझते हैं। सरकार की शान बयान करने वाली महफिल में शिरकत करना अपने लिए बाइस एजाज़ व इफ्तिखार समझते हैं। सरकार की शान बयान करने वाली महफिल में शिरकत करना अपने लिए बास एजाज़ व इफ्तिखार समझते हैं। खाजी साहब के वालिद मोहतरम हज़रत खाजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी माह रबी अव्वल के आगाज़ के साथ ही महफिल नात व कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिलों का इनेकाद किया करते थे। उनके जानशीन डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी भी इसे नक्श कदम पर चलते हुए ये सआदत हासिल कर रहे हैं। खाजी साहब के दौलत कदे पर माह रबी अव्वल के आगाज़ के साथ ही 11 रोज़ा महफिल नात व कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। इस महफिल में बड़े ही अदब व एहतराम आजिज़ी इंकसारी इश्क व मोहब्बत में डूब कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस बयान की जा रही है। डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी का कहना है कि गुलाम मुस्तफ़ा की सनत पाना एक मोमिन की मेराज है। मोमिन सही मानों में मोमिन तभी बनता है जब वो खुद को सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दे। कैसा रोतर बा सही तो
आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा सरकार आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब चांद से रोशन एड़ी है जब चांद से रोशन एड़ी है तरक सार धड़क चले आओ हमने ही बुलाया है
धड़क चले आओ, हम नहीं बुलाया।